हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स आई एम योर टीचर प्रियंका हम कर रहे थे सी क्लास टेन मैथमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन पेपर सॉल्व सेक्शन ए और बी सॉल्व कर चुके हैं आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लिख आई फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस सेवन सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल नाइंटी डिग्री ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला है थीटा डिग्री अपॉन थ्री सिक्सटी डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर यहाँ सब कुछ दिया हुआ है जस्ट वैल्यू डाल देते हैं थीटा की जगह नाइन्टी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन ले सकते हैं बिकॉज कुछ नहीं लिखा हुआ आर का स्क्वायर दैट इज सेवन इंटू सेवन एंड विल सॉल्व इट दैट्स इट और कुछ नहीं कट रहा तो एलेवन सेवन सेवेंटी सेवन अपॉन टू यानी कि थर्टी एट पॉइंट फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया और कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज थ्री सिक्सटी डिग्री से हम बचा जो भी पार्ट है माइनस करेंगे वो बचा हुआ ही मेजर सेक्टर का एरिया होगा तो थ्री ट्वेंटी वन डिग्री थ्री ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव डिग्री स्क्वायर सेंटीमीटर ये होगा मेजर सेक्टर का एरिया ना करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन लिखा है इफ़ एल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सक्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज आर वन बाई एल्फ़ा वन बाई बीटा तो एल्फा बीटा क्वाड्रेटिक जिस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्सक्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स तो इससे हम पहले एल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है माइनस बी बाई ए दैट मीन्स फ़ाइव अपॉन वन कि फाइव और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ अल्फा बीटा होता है सी बाई दैट इज़ सिक्स अपॉन वन यानी कि सिक्स इसको हम यूज़ करेंगे एक्चुअल जो ज़ीरोज़ है वन बाई अल्फा एंड वन बाई बीटा वो सम ऑफ़ द जीरोज़ निकालने में तो ये आया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा दैट इज़ फाइव अपॉन सिक्स ये इस क्वाड्रेटिक इस पॉलिन के ज़ीरोज़ का सम है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ करते हैं हम तब वन बाई एल्फा मल्टीप्लाइड बाई वन बाई बीटा यानी वन बाई एल्फा बीटा होता है यानी कि वन बाई सिक्स होता है तो अब जो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे वो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज यानी कि फाइव बाई सिक्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज दैट इज़ वन बाई सिक्स तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस फाइफ एक्स बाई स प्लस वन बाई सिक्स दिस इज़ द आंसर नाउ सम नंबर ट्वेंटी एट अ डाई इज़ रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर वन है इन ईवन प्राइम नंबर नंबर टू अ नंबर ग्रेटर देन फोर एंड नंबर थ्री एंड ऑड नंबर तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ है वो देख लेते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से कुछ आएगा यानी टोटल सिक्स आउटकम्स हैं अब इसमें नंबर वन पूछ रहा है कि एन ईवन प्राइम नंबर तो ईवन प्राइम नंबर क्या क्या होता है ईवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है दैट इज़ टू दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू टू सॉरी टू मतलब कि वन uh, होगा खाली टू होता है तो एक ही हुआ तो वन अपॉन सिक्स दिस इज़ द आंसर नंबर टू है अ नंबर ग्रेटर देन फोर तो अ नंबर ग्रेटर देन फोर है फाइव और सिक्स इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी टू अपॉन सिक्स दैट इज़ वन अपॉन थ्री एंड लास्ट नंबर थ्री पूछ रहा है एन ऑड नंबर तो ऑड नंबर इसमें है वन थ्री और फाइव यानी कि टोटल में तीन तो so, प्रोबेबिलिटी होगी थ्री अपॉन सिक्स यानी वन बाई टू तो दीज थ्री आर द आंसर्स करते हैं सम नंबर ट्वेंटी नाइन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है प्रूव दैट वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपन वन प्लस, प्लस कॉट स्क्वायर ए हमको प्रूफ करना है सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन होगा तो हम एल को सॉल्व करना चालू करते हैं हम कॉट को ही खाली टेन में चेंज कर देते हैं अच्छा हो तो साइन कॉस में चेंज करके भी कर सकते हो बट क्योंकि सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन टेन स्क्वायर होता है इसलिए हम कॉर्ट को टेन में चेंज कर देते हैं तो कॉर्ट स्क्वायर ए होगा वन अपॉन टेन स्क्वायर ए और नीचे ऊपर वाला वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाता है सेक्स स्क्वायर ए और नीचे टेन स्क्वायर एल सी एम में लो तो ये भी हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस वन तो सेक्स स्क्वायर ए इन ये नीचे वाला टेन स्क्वायर ए एकदम ऊपर चला जाएगा और नीचे टेन स्क्वायर ए प्लस वन बचा वो भी होता है सेक्स स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर ए कैंसिल हुआ क्या सिर्फ टें स्स्क्वायर एंड टेंथ स्क्वायर ए को हम सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन भी लिखते हैं तो इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ ओके नाउ थर्टी पार्ट ए है प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल तो ये मैंने डायग्राम बनाया इसमें पी ए एंड पी वी आर टू टैंज इसी को हमको प्रूफ करना है कंस्ट्रक्शन पी ओ एंड बी ओ को ज्वाइन कर देंगे सो so, दो, दो ट्राइंगल हमारे पास मिलते हैं एक है ट्राइंगल पी ए ओ और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ई बी ओ इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं तो देखो पहला एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी होगा रीज़न क्या दोगे रीज़न इसमें ये एंगल और ये एंगल क्यों 90 डिग्री है क्योंकि हम टेंजेंट्स वाला थॉरम दे सकते हैं दैट टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू ईच अदर तो ये तो एक हो गया दूसरा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया इसका रीजन दोगे दैट बोथ आर रेडियाई दोनों ही एक ही सर्कल के रेडियस है तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे और थर्ड ओ पी इज़ इक्वल टू ओ पी दे दिया बिकॉज वो क्या हो गया वो कॉमन हो गया तो हमने प्रूव कर दिया दैट ट्राइंगल पी ए ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी वी ओ एग्जियम कौन सा यूज़ किया है इसमें हमने आर एच एस एग्जियम यूज़ किया है अब कॉन्ग्रेंट होने से सी पी सी टी में हम पी ए इज़ इक्वल टू पी बी दे सकते हैं देयरफॉर पी ए इज़ इक्वल टू पी बी रीज़न दे देंगे सी पी सी टी या पूरा भी लिख सकते हो दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गोरेंट ट्राइंगल्स तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा नाउ थर्टी पार्ट बी है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ आर ऑफ रेडियाई थ्री सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर फाइन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पी यानी कि ए बी स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन में पहले तो ओ पी को ड्रॉ किया एंड बिकॉज ए बी टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए तो वी कैन से दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी बिकॉज टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं और फिर ए बी कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का तो हम दूसरा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाई द कॉर्ड यानी ए पी और पी बी इक्वल है पहले इतना लिख देते हैं तो हम पहले लिखेंगे ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी रीज़न दोगे वही टेंजेंट वाला दैट टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और सेकेंड वाला कि ए पी इज इक्वल टू बी पी इसमें रीजन दोगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड ओके तो ये दोनों इक्वल हो गए अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ ए बी तो अगर ए पी या पी बी कोई एक भी आ गया तो दूसरा उसका ही उतना ही होगा तो हम क्या करते हैं देखो ए को हम मैंने ज्वाइन किया और ये ट्राइंगल ए पी में पाइथागोरस यूज़ करते हैं तो ए पी स्क्वायर जो है वो होगा ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर यानी कि ए पी होगा ए स्क्वायर ए है बड़ा वाला रेडियस यानी फाइव और ओ पी है छोटा थ्री तो फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर का रूट यानी कि ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन का रूट यानी कि 16 का रूट तो 4 सेंटीमीटर तो देअ फॉर ए बी क्या हुआ डबल ऑफ फोर यानी कि 8 सेंटीमीटर ये आंसर ओके सम नंबर 31 पार्ट ए लिखा है इफ़ यू ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन एंड सेकेंड सेंटेंस है इट बिकम्स हाफ इफ यू ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर वॉट इज द फ्रैक्शन तो देखो इस सम में मैंने सबसे पहले न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई मान लिया तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है जो पूछ रहे अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पहला जो लाइन है वो पहला इक्वेशन देगा हमको कि हम न्यूमरेटर में वन ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से वन सब्ट्रैक कर रहे हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन यानी फ्रैक्शन वन हो जाएगा रिड्यूसेस बाई वन नहीं लिखा ना रिड्यूसेस टू वन इसको सॉल्व कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू ये इक्वेशन नंबर वन बन गया ठीक है इक्वेशन नंबर टू बोल रहा है इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर ऐसा ही है अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ वन ऐड कर दें तो ये हाफ हो जाएगा अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन या फिर टू एक्स माइनस वाई इज इक्ल टू वन ये सेकेंड इक्वेशन बन जाता है अब इनको सॉल्व करते हैं देखो इनका वाई सेम है सिर्फ साइन चेंज uh, करना है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग है ना तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन तो x माइनस वाई इज इक्ल टू माइनस टू टू एक्स माइनस वाई इज इक्ल टू वन अब सब्ट्रैक्टिंग करते हैं साइन चेंज हुआ नीचे वाले का माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री यानी कि एक्स इज इक्वल टू तो थ्री आ गया अब एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं कोई भी एक इक्वेशन में तो मैं फर्स्ट में करती हूँ तो फर्स्ट में लिख देते हैं पुटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर वन तो एक्स थ्री है ना तो थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव तो वाई इज इक्वल टू फाइव हो गया इसका मतलब हमको एक्स वाई नहीं हमको फ्रैक्शन पूछ रहा था तो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है ना यानी थ्री अपॉन फाइव दिस इज द आंसर सम नंबर थर्टी वन पार्ट बी है जो और वाला सम उसमें लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन सॉल्यूशन कब नहीं होता लीनियर इक्वेशन का जब वो एक दूसरे के पैरेलल होती है तो हमको यहाँ पे ये यह करना है कि कब पैरेलल हो जाएगी तो पैरेलल होने का क्या है कंडीशन दैट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो इस केस में ये वाला पार्ट को हम यूज़ करते हैं ए वन अपॉन ए टू इसमें ए वन क्या है थ्री ए टू क्या है टू के माइनस वन दिट शुड बी इक्वल टू बी वन यानी कि वन और बी टू यानी कि के माइनस वन इसके इक्वल होना चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थ्री के माइनस थ्री इज इक्वल टू टू के माइनस वन थ्री के माइनस टू के किया के और यहाँ इसको माइनस थ्री को उधर लाए प्लस थ्री यानी कि टू तो के की वैल्यू जब टू होगी तब ये नो no सॉल्यूशन होगा तो सेक्शन सी खत्म हो गया आप स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से सेक्शन डी का पहला सम है थर्टी टू नंबर ए लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फिफ्टी वन टर्म्स ऑफ एन एपी हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड एटीन रेस्पेक्टिवली ओके तो सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है ना फोर्टीन और एटीन है इसका मतलब हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कि थर्ड टर्म uh, से सेकेंड टर्म को माइनस किया एटीन माइनस फोर्टीन यानी फोर आया तो कॉमन डिफरेंस अगर फोर है तो हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं टर्म नंबर वन या जिसको हम ए बोलते हैं तो टर्म नंबर वन जो है वो टर्म नंबर टू से चार कम है यानी कि टेन है अब हम सम फिफ्टी वन टर्म्स निकालेंगे फॉर्मूला लगा देते हैं एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी यही है एन हमको पता है फिफ्टी वन टर्म्स है ए अब पता चल गया टेन है तो टू टेन ज ट्वेंटी प्लस एन फिफ्टी वन था फिफ्टी वन माइनस वन फिफ्टी फिफ्टी इंटू कॉमन डिफरेंस फोर सॉल्व करो फिफ्टी वन अपॉन टू ट्वेंटी प्लस टू हंड्रेड यानी कि टू ट्वेंटी तो ये कट रहा है हंड्रेड एंड टेन इंटू फिफ्टी वन यही सम होगा इसको बस सॉल्व कर देते हैं फाइव सिक्स वन ज़ीरो इज़ आंसर थर्टी टू पार्ट बी जो है और वाला सम वो भी काफ़ी इजी है लिखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी पी फाइव है लास्ट टर्म फोर्टी फाइव है एंड सम इज़ फोर हंड्रेड हमको दो चीज़ें पता करनी है नंबर ऑफ़ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ओके तो देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो सम का एक और फॉर्मूला है ना सम इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल दैट इज़ फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म वो यूज़ कर लेते हैं तो हमको सम तो पता है 400 हंड्रेड एन हमको पता करना है ए प्लस एल दैट इज़ फाइव प्लस फोर्टी फाइव तो 400 ये टू इधर आ गया एन इन टू हुआ तो 50 भी इधर आ जाएगा 400 हंड्रेड इंटू टू अपॉन फिफ्टी तो एन हमको मिल जाएगा फाइव एट फोर्टी यानी कि एन तो है सिक्सटीन टर्म्स हैं टोटल में ठीक है एन पता चल गया अब हम डी हमको पता करना है तो वो हम लास्ट टर्म के हिसाब से भी कर सकते हैं कि जो लास्ट टर्म है वो टोटल में सिक्सटीन टर्म्स है यानी टर्म नंबर सिक्सटीन ही है तो लास्ट टर्म जो या टर्म नंबर सिक्सटीन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी टर्म नंबर सिक्सटीन यानी लास्ट टर्म हमको पता है फोर्टी फाइव है ए हमको मालूम है फाइव है प्लस एन यानी टोटल सिक्सटीन टर्म्स है सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन इन टू डी तो फोर्टी फाइव ये माइनस फाइव हुआ फोर्टी इज इक्वल टू फिफ्टीन डी तो डी का वैल्यू क्या आया फोर्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टीन फोर्टी फाइव फिफ्टीन को हम काटते हैं जितना करता है तो कॉमन डिफरेंस एट बाई थ्री आएगा ना करते हैं सम नंबर थर्टी थ्री ये मीडियन का सम है लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ओके तो ये मैंने चार्ट बना दिया क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी इसमें चाहिए तो वो क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने निकाल दी टोटल थर्टी स्टूडेंट्स पता है तो एन बाई टू कितना होगा फिफ्टीन तो फिफ्टीन तो हम क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी में फ़िफ्टीन से बड़ा नंबर देखें तो वो नाइन्टीन है क्योंकि फिफ्टीन एक्जैक्टली exactly मिल नहीं रहा तो हमको मीडियन क्लास तो मिल गया ये है अब मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ़ द मीडियम क्लास दैट इज़ 55 तो लोअर लिमिट 55 है प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिकुवेंसी ऑफ द क्लास प्रिसडिंग द मीडियम क्लास दैट इज 13 होगा और एफ मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ़ द मीडियम क्लास दैट इज़ सिक्स इंटू एच दैट इज़ क्लास हाइट क्लास हाइट सब में पाँच का है तो हम मीडियम की वैल्यू निकालते हैं बस वैल्यू सिर्फ इसकी सारी सारी की दी हुई है तो पुट कर देते हैं तो ये 55 ये 15 माइनस क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 फ्रीक्वेंसी सिक्स क्लास हाइट फाइव सॉल्व करो फिफ्टी फाइव प्लस टू बाई सिक्स इंटू फाइव यानी फाइव बाई थ्री थ्री एल सी एम हुआ वन सिक्सटी फाइव प्लस फाइव दैट इज़ वन सेवेंटी अपॉन थ्री ये कट तो रहा ही नहीं है तो इसको हम पॉइंट में भी पूरा तो आएगा नहीं तो हम एक्स फ्रैक्शन में रख सकते हैं तो फिफ्टी सिक्स टू बाई थ्री इतना वेट है तो फिफ्टी सिक्स इतना वेट मतलब इतना के जी है ना वेट इन के जी तो के जी लिख दो सिक्स टू बाई थ्री के जी नाव करते हैं सब नंबर थर्टी फोर लिखा है सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडिल एंड टू हेमिसफेरिकल पार्ट्स एट इट्स बोथ एंड्स हमको फिगर में भी दिख रहा है यही चीज हेमिसफेयर बिल्कुल फिट है यानी सिलेंडर हेमिसफेयर सबका रेडियस सेम है तो हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सेवन मीटर एंड रेडियस दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट का सेवन बाई टू मीटर यानी हेमिसफेयर का भी रेडियस यही हो गया अभी हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर ये दो चीजें और उसके बाद में फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिसफेरिकल पार्ट तो सबसे पहले हमने ये जो पार्ट दिया था वो लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर यानी अगर ऐसे इमेजिन करो कि इस बॉयलर को अगर हमको पेंट करना हो तो हम कहाँ कहाँ पेंट करेंगे तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको मिलेगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर लेकिन दो हेमस्फेयर है तो इसको हम इन टू कर देते हैं दो बार कर्व सरफेस एरिया यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है टू पाई आर एच और टू टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिसफेयर यानी कि टू पाई आर स्क्वायर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो फोर पाई आर स्क्वायर इसमें जो कॉमन जा रहा है टू पाई आर कॉमन जा रहा है एच बच रहा है यहाँ यहाँ पर टू बचेगा और एक आर बचेगा राइट तो इसको हम अब वैल्यू डाल देते हैं पाई का वैल्यू डाला रेडियस का वैल्यू डाला हाइट डाल दिया एंड रेडियस इंटू टू यानी सेवन तो जो कटता है काटो तो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाई सेवन और सेवन फोर्टीन होता है इसको कर देते हैं फोर्टीन टू या ट्वेंटी एट थ्री हंड्रेड एंड एट ये सरफेस एरिया तो स्क्वायर मीटर में आ गया आंसर ठीक है अब नेक्स्ट बोल रहा था कि वॉल्यूम निकालो बॉयलर का तो वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम बॉयलर का सब मिला कर होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फेयर है तो टू इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर ठीक है या ऐसे बोलो तो एक स्वेयर भी मान सकते थे बट ठीक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्क्वायर एच है और टू इंटू वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर टू बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है तो पाई आर स्क्वायर एच अगेन यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया बचता क्या है एच यहाँ पे प्लस यहाँ बचता है फोर बाई थ्री आर तो पाई मतलब ट्वेंटी टू बाई सेवन आर स्क्वायर मतलब सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू एच है सेवन और फोर बाई थ्री इंटू आर यानी सेवन बाई टू सॉल्व करते हैं इसको जितना कट रहा है काट दो बस और नहीं चाहता तो सेवेंटी सेवन बाई टू और यहाँ पे सेवन प्लस सेवन टू जार फोर्टीन और नीचे थ्री है तो सेवेंटी सेवन बाई टू इसका एलसीएम लिया तो ट्वेंटी वन प्लस फोर्टीन यानी सेवेंटी सेवन बाई टू इंटू थर्टी फाइव बाई थ्री हुआ तो अब बस इसको सॉल्व करना है क्योंकि कुछ कट नहीं रहा ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा टू सिक्स नाइन फाइव नीचे वाला सिक्स करोगे तो इसको हम बस मिक्स में रख सकते हैं तो सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फ़ोर सिक्स नाइन ज़ार फिफ्टी फ़ोर एक हुआ तो इतना क्यूबिक मीटर ये आंसर हो गया और जो थर्ड नंबर पूछ रहा है कि रेशियो निकालना है किसका एक तरफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और दूसरी तरफ है वॉल्यूम ऑफ वन हेमस्फेयर तो इसको भी निकालते हैं यहाँ पाई आर स्क्वायर एच है और यहाँ पाई सॉरी टू बाई थ्री पाई आर क्यूब है देखो पाई पाई कट गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हट जाएगा एक आर बचा तो एच इज़ टू टू बाई थ्री आर का ही वैल्यू निकालना है एच है सेवन और आर एवन बाई टू 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 कट गया सेवन इस टू सेवन बाई थ्री या सेवन इन टू थ्री बाई सेवन 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 भी कट गया यानी कि थ्री इस टू वन इज द रेशियो ये आंसर हो गया करते हैं सम नंबर थर्टी फाइव पार्ट ए लिखा है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी फोर्टी मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it was 60 degree find the height of the tower the so, trigonometry ये heights and distances का सम है पहले हम diagram बनाते हैं तो ये रा वो diagram देखो AB हमने उस को मान लिया tower को अब जब C पे खड़े होते हैं तो angle of elevation 60 degree है sun का लेकिन sun का elevation अगर 30 degree हो जाता है यानी कि और slanting line बना रहे हैं तो D पीछे 40 meter CD की दूरी है तो फोर्टी मीटर अगर और अवे चले जाओ तो थर्टी डिग्री बन जाता है तो हमको पता करना है ये हाइट ऑफ़ द टावर तो हमने वही लिख दिया लेट द हाइट ऑफ़ द टावर बी एक्स इसको एक्स मान लिया अब पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं छोटा वाला दैट इज़ ए बी सी ये वाला और इसमें हम निकालते हैं क्या रिलेशन है तो टेन सिक्सटी डिग्री इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो रहा है टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है ए बी एक्स माना है हम बी सी अगर निकालें तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू होगी x अपॉन रूट थ्री मीटर है ना अभी हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं बड़ा वाला दैट इज ए बी डी उसमें भी हम वही रिलेशन टेन का लेते हैं थर्टी डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ ए बी अपॉन बी डी टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री है ए बी हमने एक्स माना बी डी जो है वो फोर्टी प्लस ये बी सी यानी एक्स अपॉन रूट थ्री आएगा अब हम बस इसको सॉल्व करते हैं तो वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये एलसीएम लिया फोर्टी रूट थ्री प्लस एक्स रूट थ्री को ऊपर ले जाओ रूट थ्री एक्स हो जाएगा तो वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स अपॉन फोर्टी रूट थ्री प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर्टी रूट थ्री प्लस एक्स एक्स इधर आया तो टू एक्स हो गया टू एक्स इजिक्वल टू फोर्टी रूट थ्री यानी हाइट ऑफ द टावर जिसको हमने एक्स माना था वो ट्वेंटी रूट थ्री मीटर आ गया बिकॉज यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि रूट थ्री की वैल्यू डालो तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और अगर आप लोगों को याद होती तो आप ट्वेंटी पॉइंट वन सेवन थ्री टू करके भी वैल्यू निकाल के छोड़ते तो भी उतना ही आंसर मिल उतना ही मार्क्स मिलता नाउ आते हैं थर्टी फाइव पार्ट बी और वाला जो सम था हाइट्स एंड डिस्टेंसेज का ही है वो भी लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सेवन मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज़ सिक्सटी डिग्री एंड द एंगल ऑफ़ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ फोर्टी फाइव डिग्री बिल्डिंग से ही हम ऊपर देख रहे हैं टावर में तो सिक्सटी और बिल्डिंग से ही नीचे देखते हैं टावर में तो फोर्टी फाइव डिग्री हमको हाइट ऑफ़ द टावर निकालना है तो ये मैंने डायग्राम बनाया ए बी जो है वो तो वो बिल्डिंग है सेवन मीटर की और पी क्यू सामने टावर है ए से पी की तरफ देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन सिक्सटी डिग्री है तो मैंने एक हवा में एक लाइन बना दी परपेंडिकुलर और अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्यू की तरफ देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको पता है इसलिए मैंने ये वाला पार्ट 45 डिग्री ले लिया अब देखो पी क्यू का हाइट निकालना है उसमें हमको क्यू एम तो ऑलरेडी मालूम है क्योंकि ये तो ये इसके बराबर ही होगा सेवन मीटर अब बस ये पी एम निकालना है इसके लिए मुझे ए एम चाहिए तो एम हम निकालते हैं एम कैसे निकालेंगे हम नीचे वाले से निकाल देंगे इससे तो हम लेते हैं ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल क्या है ए बी क्यू और इसमें हम डालते हैं टैन तो टैन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होता है यानी कि ए बी अपॉन बी क्यू होता है टैन फोर्टी फाइव वन है ए बी सेवन है तो बी क्यू क्या होगा बी क्यू भी सेवन मीटर ही होगा बी क्यू आ गया सेवन मीटर जो बी क्यू है वही ए एम है ठीक है इसलिए हमने नीचे का निकाला अब ट्राइंगल ए पी एम के अंदर अगेन टैन ही यूज़ करना है टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम है टैन सिक्सटी रूट थ्री पी एम हमको निकालना है ए एम पता है सेवन तो पी एम की वैल्यू आ गई सेवन रूट थ्री ओके तो देखो अभी इसको निकालने का तरीका या तो सेवन रूट थ्री रहने दो क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू या निकालने कुछ बोला तो है नहीं या फिर हमको पता है सेवन इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू होता है तो उससे मल्टीप्लाई करके निकाल दो तो 12.124 मीटर हुआ तो टोटल हाइट ऑफ द टावर दैट इज पी क्यू कितना होगा 12.124 में हम ये सेवन मीटर और ऐड कर रहे हैं यानी 19.124 मीटर या 19.1 मीटर भी छोड़ते तो भी आंसर करेक्ट था और अगर हम रूट वाला लेते हैं तो सेवन रूट थ्री प्लस सेवन सेवन कॉमन रूट थ्री प्लस वन इतना मीटर ऐसे भी छोड़ते तो भी राइट right ही था अब आते हैं सेक्शन ई e में उसका क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स ये तीन फिगर्स दिए हुए हैं लिखा है ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन है नेम द फिगर वेयर इन टू फिगर्स आर सिमिलर तो हम जब इन तीनों फिगर्स को ध्यान से देखते हैं तो देखो फिगर ए में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लग रहा है बिकॉज देखो ए डी अपॉन पी एस जो है वो टू अपॉन फोर वन बाई टू हुआ डी सी अपॉन एस ओ आर भी करोगे टू पॉइंट फोर अपॉन फोर पॉइंट एट ये भी वन बाई टू है बी सी अपन क्यू आर भी वन बाई टू है और ए बी अपॉन पी क्यू भी वन बाई टू है तो फिगर नंबर ए तो सिमिलर है फिगर नंबर बी में हम देखें तो ए डी अपॉन पी एस वन एज टू वन है सी डी अपॉन एस आर वन इज टू वन नहीं है यानी ये तो सिमिलर नहीं है फिगर सी में देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू वन एज टू वन ए सी अपॉन पी आर वन इज टू वन और बी सी अपॉन क्यू आर भी वन एज टू वन है तो फिगर इसीलिए हमने लिखा थर्टी सिक्स पार्ट वन में कि कौन से फिगर ए और फिगर सी ये दो सिमिलर हैं नंबर टू पूछ रहा है फिगर वो बताओ जो कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें फिगर सी कॉन्ग्रुएंट हमको दिख रहा है बिकॉज साइड्स भी बिल्कुल इक्वल है नंबर थ्री पार्ट ए प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर बट नॉट द कन्वर्स यानी सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट तो देखो उसमें हम कैसे लिखेंगे कि इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑल द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल साइड्स और एंगल्स सब इक्वल होते हैं देर फॉर रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा दर फॉर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट इन सिमिलर ट्राइंगल्स ऑल दो द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट कॉरिस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट इक्वल देर फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट और इसी का ही थ्री पार्ट भी और वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है वॉट मोर इज लीज नीडेड फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रेंट और क्या चाहिए हमको जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल अगर सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंगल स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स यूर आईसाइट वीक एंड गिव यूक्स चिल्ड्रेन आर अडिक्टेड टू प्ले पबजी कैन गेट इजीली स्ट्रेस्ड आउट टू रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग स्कूल डिसाइडेड टू स्टार्ट बैन पबजी कैंपेन इन विच स्टूडेंट आर आज टू प्रिपेयर कैंपेन बोर्ड इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल वन सच कैंपेन बोर्ड मेड बाई क्लास टेन स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज शोन इन द फिगर तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस में एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसके चारों वर्टिसज हैं ए बी सी डी वैल्यू दी वी है A, B, C, D, value, D, अब हमको आंसर करने हैं ये क्वेश्चंस नंबर वन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स ए सी एंड बी डी क्योंकि ये रेक्टेंगल के डायगनल्स हैं तो ये इंटरसेकट करेंगे मिड पॉइंट में दूसरे एक दूसरे के तो हम यही पार्ट लिखेंगे वन नंबर में कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ़ ए सी एंड बी डी क्या है मिड पॉइंट है ए सी एंड बी डी का और दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होता है तो हम किसी भी एक का मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमने ए सी का मिड पॉइंट निकाला मिड पॉइंट फॉमूला यूज़ किया सॉल्व किया फोर कॉमा वन आंसर आएगा नंबर टू लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ डायग्नल ए सी तो ए सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ए और सी के डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया और हमारा आंसर आया रूट फिफ्टी टू दैट इज़ टू रूट थर्टीन सेंटीमीटर नंबर थ्री का पार्ट ए है फाइंड द एरिया ऑफ द कैंपेन बोर्ड ए बी सी डी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इन टू ब्रेथ होता है यानी हमको ए बी और बी सी के लेंथ चाहिए अब दो तरीके हैं या तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है तो हम ए बी और बी सी की लेंथ कोऑर्डिनेट्स में ही देख सकते हैं ए का एक्स है वन और बी है बी का एक्स है सेवन तो बीच की दूरी सिक्स हो गई तो ए बी सिक्स और बी सी में भी वैसे ही वाई बी का है वन और सी का है फाइव तो बीच की दूरी फोर हो गई तो सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर ए बी का डिस्टेंस फॉमूला से लेंथ निकालो बी सी का डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकालो तो भी सिक्स और फोर ही आएगा वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आंसर दोनों का सेम मतलब मार्क्स मिलेंगे और नंबर बी दिया है और वाला कि फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ए बी टू लेंथ ऑफ डाइग्नल ए सी तो ए बी एस टू ए सी निकालते हैं ए बी अभी आया हमारा सिक्स और बी ए सी भी हमने निकाल के रखा है टू रूट थर्टीन तो देखो होल नंबर टू और सिक्स कट रहा है तो हमारा आंसर रहेगा थ्री इज टू रूट थर्टीन ऐसे भी इजी है या फिर सिक्स को रूट के अंदर करो यानी थर्टी सिक्स का रूट है ये थर्टी सिक्स इज टू फिफ्टी टू दोनों ही रूट में है तो रूट रूट का अंदर कट रहा है तो रूट नाइन इज टू रूट थर्टीन रूट नाइन थ्री होता है थ्री इज टू रूट थर्टीन ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कोई भी एक तरीका यूज़ करो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी एट लिखा है खुशी वॉन्ट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी बींग हेल्थ कॉन्शियस शी डिसाइडेड टू सर्व ओनली फ्रूट्स इन अ बर्थडे पार्टी शी बॉट थर्टी सिक्स एप्पल्स एंड सिक्सटी बनानाज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इक्वली अमंग ऑल अब हमको क्वेश्चन कह दिया है नंबर वन है हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इन्वाइट एट द मोस्ट तो ये रहा उसका आंसर कितने इन्वाइट कर सकती है तो हम थर्टी सिक्स और सिक्सटी का एच सी एफ निकालते हैं दैट विल बी ट्वेल्व एंड ट्वेल्व गेस्ट आ सकते हैं नंबर टू है हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानाज विल ईच गेस्ट गेट तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्व थ्री सिक्सटी बनानाज डिवाइडेड बाई ट्वेल्व फाइव यानी एक गेस्ट को मिलेगा थ्री एप्पल्स फाइव बनानाज नंबर थ्री पार्ट ए है इफ़ खुशी डिसाइड्स टू ऐड फोर्टी टू मैंगोज हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इन्वाइट एट द मोस्ट तो फोर्टी टू तो को भी हम एच में लगाएं अगर यानी थर्टी सिक्स सिक्सटी और फोर्टी टू का एच निकालते हैं तो एच सी एफ विल बी सिक्स यानी सिक्स गेस्ट आ सकते हैं नंबर बी और वाला जो है लिखा इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन डजन ऑफ बनाना इज़ सिक्सटी कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज़ रुपीज़ फिफ्टीन एंड कॉस्ट ऑफ वन मैंगो इज़ रुपीज़ ट्वेंटी फाइन द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन सिक्सटी बनाना थर्टी सिक्स एंड फोर्टी टू मैंगोज तो हम एक एक करके निकालते हैं सिक्सटी बनानास का कॉस्ट एट द रेट ऑफ सिक्सटी रुपीज़ वन डजन का सिक्सटी बनानास मतलब फाइव डजन तो फाइव इंटू सिक्सटी थ्री हंड्रेड रुपीज़ वन का कॉस्ट फिफ्टीन तो थर्टी सिक्स का फाइव फोर्टी वन मैंगो का कॉस्ट ट्वेंटी रुपीज़ तो फोर्टी टू मैंगोज़ का एट फोर्टी रुपीज़ इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सिक्सटीन एट्टी रुपीज़ तो दिस विल बी आर टोटल अमाउंट तो यहाँ हमने सॉल्व कर दिया मैथमेटिक्स का बेसिक पेपर पूरा सॉल्व क्लास टेन का पेपर काफ़ी इजी था आई होप तुम लोगों का भी अच्छा गया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे हुआ तुम लोगों का ये पेपर और क्या मार्क्स तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना एंड इफ़ यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब अब क्योंकि एग्जाम ख़त्म हो गए हैं तो चिल करो रेस्ट करो बाय जय हिंद